सो गाइस हम घर पहुंच चुके और हैं और पूरा मरते तर टैंक भी है, ये रियल टैंक है सर, ये फर्जी टैंक नहीं है, ये हमारा ये स्कूल है। हाय गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। आप सोच रहे हैं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, और अभी शाम के कितने बजे हैं हिमांशु? ये बजे है 5:30, मतलब 5:40 सुबह है, और हमने सोचा कि जरा घूम के आते हैं, सर अपने आप को फिट रखते हैं, तो इसीलिए मैं हिमांशु मेरा भाई, ये हिमांशु और डिम्पल, का डिम्पल को भी दिखाते यार, ये मैं दिख नहीं रहा हूँ, ये डिम्पल। तो हम सब लोग मतलब घूमने को भी आए हैं, और कुछ बुक्स भी लेनी थी हिमांशु को, तो वो इसलिए भी आया है, और मेरी सांस फूल चुकी है गाइस। हम जा रहे हैं बीड़ जंगल के रास्ते, धौला के रास्ते, हम जा रहे हैं बीड़ और धौला के रास्ते से। सो ये और मेरा अभी हम पहली बार आए हैं, इतना भी बता देते हैं। अब अगर इनका गाइड हिमांशु ही वाला है, यहाँ ये आगे मैं बबरी जाने वाला हूँ, और मैं उनका गाइड, मैं हिमांशु, और मेरी सांस फूल चुकी है गाइस, क्या बताऊँ आपको, सीढ़ियाँ है भैया, तो पीछे चलने की आदत है ना इसको, तो पटमा सीन तो है नहीं। एक लड़की देखी है मुझे, ऊपर छत दिखाऊँ आपको से जा रहे हैं, और ऐसा घना जंगल मैंने नहीं देखा था सच्ची में, क्योंकि मैं जाता था तो गाड़ी में जाऊँगा यार, गाड़ी में पैदल नहीं गया, मतलब ऐसे कोई इंटेंस रास्ते से, बहुत बड़ा जंगल है, जंगल जंगल है, कोयल की कूकाहट, कू कू की आवाज़ आ रही है, और चौंकी मैं भी जा कोयल वाला गाना गाऊँ। और कुछ चल रहा है, नहीं कर रहा ये लड़का, लटक जाऊंगा इसे, फिर क्या होगा, फिर हमारे भाई का, फिर हम क्या जाएंगे भाई, इतने इंटेंस दिखाते हैं, असलियत यहाँ जा रहे हैं, किसी के घर के अंदर से निकल रहे हैं, मुझे अब शर्म आ रही है। कहाँ जा रहे हैं? तो गाइस अब हम जंगलों के रास्ते हैं, और क्या बोलते हैं, बहुत इंटेंस जैसा लग रहा है बिल्कुल, देखो ना घना घना, और बारिश भी होने वाली है। सो गाइस कितना सही दिखा रहे हैं, चुप रहे, कितना सही व्यू है, मैं तो आज पहली बार देखा कि हमारे इतने। तो गाइस ये मेरे भाई का नॉर्मली है, और डेली आते रहते हैं इसी ना, स्कूल जाते रहते हैं, मतलब सही है, ठंडा ठंडा, मतलब बढ़िया हो रहे हैं, और मेरी सांस फूलने को आप वो मानना, क्या बोलते हैं, इग्नोर करना, क्योंकि मेरी आदत ही ऐसी है। और ये डिम्पल मेरी बहन, बहुत पंचायत करने पड़े पीछे से, गुस्सा आ रहा है स्कूल के मुझे, ये देखो ये देख रहे तू, लाल पीला हरा ना, कहाँ से भाई, इस पर नाम क्या, पता है जब मैं ऊपर से आया तब मुझे सांस फूल ली थी मेरे, तब थोड़ा लाल लाल हो गया था मुँह, बट अब ठंडा ठंडा महसूस हो रहा है, अब सही हो रहा है, मतलब अब नॉर्मल हो गया है, बट पसीने से पूरा पसीना पसीना हो चुका हूँ मैं, बट कोई नहीं। और मैं पिछली रोड में पहुँच चुके हैं, बोलने से ज़्यादा और कितनी मतलब सही रोड है वैसे ना घूमने के, शाम को सही में बोल रहा हूँ, गाड़ी ग्रीन बनाने के लिए बेस्ट रोड है, ऊपर से आवाज़ छोड़ के चलाओ गाड़ी। सो गाइस क्या बोलते हैं, वीडियो मारते भी ला सकते हो, बहुत अच्छी रोड है गाइस, सबसे बड़ा बढ़ते हैं गाइस, वहाँ से की मुंडी कट जा रही है मेरे को, आप सर गड्ढा बना दे रहा। सो अब हम मतलब एक अच्छी रोड पहुँच गए हैं, यहाँ मतलब पता है रील्स भी बना सकते हो आप आके, बस सही है, सही बड़े कितनी मस्त क्वालिटी है मानसू, मेरे फ़ोन की कुछ भी है पीछे बैग में, बैग की ना कौन है, कौन सोनल, कौन सोनल, इतना खतरनाक है ना, ये लड़कियों को ऐसा करते करा था ऐसा सुना, बट ये मेरे भाई ऐसा नहीं करा था, कोई और करा था, मेरा भाई मसीहा बन के, हाँ तो मेरा गाय मसीहा बन के उस लड़की को, तो गाय मेरा भाई मसीहा बन के वो लड़की को बचाया, उससे बहुत खुश अपने भाई से, ज़्यादा हो गया। 50 रुपये कट ओवर एक्टिंग के वजह। ओके हम पहुंच चुके हैं पीएस के स्कूल के वहाँ पे, और सब लोग यानी कि पता है यहाँ पे बड़े तरीके से घूम रहे हैं, और गाय वाय भी आ रही है वहाँ पे, कुत्ते को लाने की सोच रहा था मैं तो, पर इतना बड़ा रास्ता है कि मुझे घसी देगा वो। सो गाइज मुझसे अच्छा व्लॉगर तो मेरा भाई है, क्योंकि वो बता रहे हैं मुझे कि देखो ये
ये टैंक वैंक वाला सीन, ये देखो टैंक भी है यहाँ गाइस, हमारा इतना तगड़ा भी आ रहा है, देखो गाइस सब खेलते हैं यहाँ पे। इसका फील्ड है मंजूर, ये दिख ही रहा होगा क्योंकि अभी धूप आई है ना, लेकिन धूप की तो सही लग रहा है, देखो सनसेट कितना प्यारा लग रहा है। यहाँ खेलने आते हैं शाम की वॉक, अगर ऐसी होता ना सुबह इंसान उठेगा नहीं है मेरे पाँव जैसे। मेरा नॉर्मल है गाइस, ये फोन में लगी है देख भी नहीं, व्यू को ये व्यू को एंजॉय भी नहीं कर रही। तो गाइस अब यहाँ स्कूटी में आ रहे हैं और हम लोग पैदल चल रहे हैं, बट कोई बात नहीं, हम अपने स्वास्थ्य को सही करना चाहते हैं। यहाँ पापा की परियां स्कूटी सीख रही हैं, तो थोड़ा संभल के, मुझे पता है क्या बोलते हैं, रिस्क पे आए पूरा सेफ्टी किट के साथ। सो गाइस जिसके लिए हम आए थे वो तो हुआ नहीं, क्योंकि इसकी बुक्स मिली नहीं हमें। सो इसको तो बुक मिली नहीं बेचारे को, अच्छी इसके लिए इतना हम नाचे अब मेरे पाँव ने अपना पाँव छोड़ दिया, मतलब क्या बोला तूने, मतलब पाँव ने हार मान ली है, हार मान ली है पूरी तरीके से। और वो रहा है मेरा स्कूल गाइस, ये उसका स्कूल, और मेरे पाँव ने इसमें हार मान ली है, मेरा पाँव दुख रहा है, दुख इसका पाँव बोलना मेरे को, रहने दे बस रहने दे तू अब हिमांशु। ओए हो गया ये बिन पैसे के लिफ्ट मांगते हुए आज के इंसानों को क्या हो गया है, मैं तो लिफ्ट दे। सो गाइस अभी तक हम कोई और रस्ते से आए थे, कोई और रस्ते से किया था मेरे भाई मुझे, अब वो कोई और रस्ते से जा रहे हैं, मैंने कहा शॉर्ट रस्ता पता है वहाँ। यहाँ पे तीन बालिकाएं और एक बालक है, ऐसा है मेरा भाई बोल रहे हैं सर, हम लाज बेच खाई है इसने, बालिकाओं बालक के दो बालक आगे बैठे, दो मित्र आगे बैठे, अब आपको पता कट हो चुका है मानसू, दो बालक के दो बालिकाएं हैं, तीन बालक रात हो चुकी है, हम गए थे अंधेरे मतलब उजाले में और हो चुकी है रात, अब मैं आपको डायरेक्ट मिलता हूँ घर में। सो गाइस हम घर पहुँच चुके हैं और पूरा मरते तड़ते, मैं तो बिल्कुल ही बुरा हाल होके पहुँचा हूँ, पूरा मुँह लाल होकर दिख रहा होगा अभी आपको कि लाइट थोड़ी कम जैसी लग रही है, सांस फूल गई, पता है मिलिट्री बहुत गंदी है, सांस फूल गई, बट कोई बात नहीं, अब तो ठीक हो गया, मतलब लाल थोड़ा, अब पसीना भी है थोड़ा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय। सो गाइज अब हम मरते तड़ते सब कुछ करते पुरते पहुंच गए हैं घर, बहुत सारे मतलब दो ही थोड़ा सा ये, सो मेरे को देखना कोई मेरे को चोरी ना करके लेके जाए, बस इतना ध्यान रखना, इसको ऐसी गंदी थकान लग चुकी है, ऐसा मन हो रहा है कि ये शी इज द लीडर, सही जाने रे।